हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पके हुए आम की जैम। तो आइए देखते हैं पके हुए आम की जैम कैसे बनते हैं। जैम बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पके हुए आम लिया है। अब इस आम का छिलका उतार के इसका प्यूरे बना लेंगे। आप लोगों को एक बार ध्यान रखना है कि प्यूरे बनाते समय बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। देखिए, मैंने आम का प्यूरे बनाकर तैयार कर लिया है। आम का प्यूरे बनाने के लिए आप जूसर का भी सहायता ले सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी निकल सकते हैं। चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। अब इस कढ़ाई पर आम के प्यूरे सब डाल देंगे। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो आम के प्यूरे नीचे से जल जाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है और ऊपर से एक लेयर भी पड़ने लगा है। अब हमें इसमें चीनी ऐड करना है। मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी डाला है। यदि आप लोगों को ज़्यादा मीठा खाने की मन करे तो चीनी का परिमाण आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। एक बात भूलिएगा मत कि हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे से ये जल जाएगा। उसी तरह से लगभग और 5 मिनट पका लिया। इसका परिमाण थोड़ा कम भी हो गया है। अब हमें इसमें लगभग 2 चम्मच नींबू का रस डालना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। फाइनली जैम बनकर तैयार है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा जैम किस समय बनकर तैयार होंगे? इसे जानने के लिए हमें 2 उंगली पर थोड़ा सा जैम ले लेना है और देखना है कि ये तार जैसा होता है या नहीं। यदि तार जैसा होता है तो इसका मतलब है कि जैम बनकर तैयार है, और तभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद हमें जल्दी जल्दी इसे एक दूसरे बाउल पर उठा लेना है, नहीं तो जैम खराब होने लगेगा। तो मैं इसे जल्दी जल्दी एक दूसरे बाउल पर उठा लेती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जैम ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे उठाकर दिखा देती हूँ। इसे उठाने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है। प्लेट बाउल के ऊपर रख के पलट देना है। अब धीरे धीरे बाउल को उठा लेना है। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना? तो अब इसे रोटी पर लगाकर दिखा देती हूँ। वाओ, लग रहा है ना बाजार जैसा आम के जैम। बिना फूड कलर के भी इतना सुंदर कलर आया है ना? तो आप लोग भी आम के जैम घर पर बनाएं और इसका मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी ये आम जैम की रेसिपी? अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बाय बाय।